झाड़ू लगाने से पहले हम लोग गोबर पानी चारों तरफ देते हैं दुआरी में, क्योंकि हर रोज हम तो गोबर नहीं दे सकते हैं इतना। इसको निकालूंगी तो अभी ये सूख गया है, अभी इसको मैं निकाल कर रख दूंगी और अगले साल फिर से मैं इससे नया प्लांट। देखिए ये क्या मिला मुझे घर साफ करते करते, तो मैं ये खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ ये क्या है। आधा सामान निकाल चुकी हूँ मैं बाहर और आधा बाकी है, उसको भी निकाल दूंगी। और देखिए इस तरह का साग होता है, इसको ऐसे सुखा के हम लोग रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, आप लोग कैसे हो, आए हो, बच्चे हो गए। तो मैं अंबिका, अंबिका लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी बजने वाले हैं 6 बजे नहीं है, और मैं 4:30 बजे से ही उठी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स मैं 4:30 बजे से ही उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना रहता है, हस्बैंड जी जाते हैं ड्यूटी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं खाना कैसे बना रही हूँ। और फ्रेंड्स इधर देखिए मैं कर रही हूँ आलू बॉयल, इसका मैं बनाऊँगी चोखा। और इधर मेरा बन गया है भात, तो आज जो है मैं माड़ भात ही बनाऊँगी। रोज मैं सूखा भात बनाती हूँ, आज माड़ भात बनाऊंगी, तो मेरा भात बन गया है। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी, और उसके बाद मुझे आज किचन भी साफ करना है। किचन मेरा बाकी रह गया था साफ करने के लिए, और बहुत ही गंदा हो गया है। देखिए डिब्बा उब्बा सब इधर उधर हो गया है। हम रोज खाना बनाते हैं जल्दी जल्दी, तो यहाँ वहाँ रख देते हैं रोज, हमेशा मतलब समेटने का टाइम नहीं मिलता है। तो आज मैं पूरा क्लीनिंग करूँगी, डीप क्लीनिंग करके साफ करूँगी अपना किचन को। तो आप लोग मेरा वीडियो में लास्ट तक बने रहना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इधर हो रहा है आलू बॉयल, और इस तरफ मैं पानी गरम कर रही हूँ, गुनगुना पानी मैं सुबह में पीती हूँ हर रोज। तो फ्रेंड्स पानी हो गया है गरम, अब हम इसको गैस बंद कर देंगे और थोड़ा देरी छोड़ देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो फ्रेंड्स पानी थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हुआ है, उसे थोड़ा देरी छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, हल्का मतलब गुनगुना पानी पियेंगे। तब तक मैं अपना बाहर का जो काम है इधर दुआरी वारू झाड़ू लगाना, मैं वो सब करती हूँ तब तक। और फ्रेंड्स धीरे धीरे उजाला हो रहा है, सूरज भगवान नहीं निकले हैं अभी तक, लेकिन थोड़ा सा उजाला हो गया है। तो फ्रेंड्स झाड़ू लगाने से पहले हम लोग गोबर पानी चारों तरफ देते हैं दुआरी में, क्योंकि हर रोज़ हम तो गोबर नहीं दे सकते हैं, इतना गोबर हम कहाँ से लाएंगे। हमारा बहुत बड़ा आंगन है देखिए, और साफ़ करने के बाद तो और बड़ा हो जा रहा है, इधर लिपाई पोताई सब चल रहा है। तो मैं अभी गोबर पानी चारों तरफ दे दूंगी और उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं गोबर को घोलूंगी पानी में दे के, और बोरा में रखी हूँ गोबर। हमारे यहाँ गोबर नहीं मिलता है, तो मैं बाहर से मंगाती हूँ मतलब दूसरा गाँव से। तो हस्बैंड जी ला दिए हैं मुझे गोबर, एक बोरा तो नहीं आधा है, क्योंकि मिट्टी में मैं लीप रही हूँ, तो उसके ऊपर में भी गोबर देना होगा, वरना मिट्टी जो है पानी में धुल जाएगा जब पानी लगेगा। तो मिट्टी के ऊपर में गोबर देना होगा, इसलिए मैं गोबर मंगाई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैं गोबर को पानी में घोल दी हूँ, और अभी मैं आ गई हूँ बाहर। पहले हम लोग बाहर में ऐसे गोल करके गोबर से हम लोग लीपेंगे, उसके बाद हम चारों तरफ गोबर पानी देंगे। हम पहले गोल क्यों करते हैं उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग का मतलब हम लोग मानते हैं कि लक्ष्मी माँ जो है भोर से घूमने के लिए आती है, और सबके द्वारी में खड़ी होती है, तो माँ लक्ष्मी आके यहाँ पर खड़ी होगी बोल के हम लोग वहाँ गोबर से लीप देते हैं, क्योंकि उन्हें शुद्ध जगह चाहिए। और उसके बाद चारों तरफ गोबर पानी इस तरह से हम लोग छिड़कते हैं, और तुलसी पिंडा का सामने में भी हम लोग ऐसे गोल करके गोबर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी लक्ष्मी माँ आके खड़ा होगी, वहाँ भी हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग ऐसे मानते हैं, आप लोग कैसे मानते हैं मुझे नहीं मालूम, पर हमारे कास्ट में ऐसे ही किया जाता है। तो फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ घर को झाड़ रही हूँ, मतलब बरंडा पहले साफ़ कर लूँगी, उसके बाद किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन का जितना भी सामान है सब ला के मैं बरंडा में रखूँगी।
तो इसी वजह से पहले मैं बरंडा को साफ़ कर रही हूँ। बरंडा में ज़्यादा झूल नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा हुआ है, तो जल्दी साफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग मकर संक्रांति का कैसे तैयारी कर रहे हैं मैं मुझे कमेंट करके बताना। और हमारा तैयारी तो आप लोग देख रहे हैं, साफ़ सफाई चल रहा है। तो फ्रेंड्स, किचन साफ करने से पहले मैं बरंडा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बरंडा में सारा सामान ला के रखूँगी किचन का, और उसके बाद किचन साफ़ करूँगी। तो पहले मैं बरंडा साफ़ कर ले रही हूँ, उसके बाद किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि सारा सामान यहाँ ला के रखना होगा। तो फ्रेंड्स, पहले मैं झूल जितना था उसको झाड़ दी हूँ, और अब झाड़ू से मैं दीवार सबको झाड़ रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जो है दीवार में लगा हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो फूल है ये सब मैं लगाई थी काली पूजा में, और इसको मैं निकाली नहीं हूँ, तो अभी मैं इसको निकाल दूँगी। ओके, मुझे घर सजाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हमेशा घर को सजाते रहती हूँ, कुछ ना कुछ करते ही रहती हूँ। तो मैं काली पूजा के टाइम में ये सब फूल जो है गेंदा का सजाई थी, तो मैं खोली भी नहीं थी, अब मैं निकाल दे रही हूँ इसे। तो फ्रेंड्स, इसको मैं सूखने के लिए रख दी थी, मैं सोची जब सूख जाएगा तब इसको निकालूंगी, तो अभी ये सूख गया है, अभी इसको मैं निकाल कर रख दूंगी, और अगले साल फिर से मैं इससे नया प्लांट उगाऊंगी, इसीलिए मैं इसको रखी थी, तो अभी मैं इसको रख दूंगी घर में। ये पूरा सूख गया है, कुछ ख़राब होने वाला नहीं है, अगर सूखा नहीं रहता तो ख़राब हो जाता रखने से। ये पूरा सूख गया है तो ये ख़राब नहीं होगा, इसको मैं कहीं भी टांग कर रख दूंगी, और अगले साल फिर से मैं इससे नया प्लांट उगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, जब भी पर्व त्यौहार आता है तो हमेशा दिमाग में ही रहता है कि जल्दी जल्दी मैं घर का क्लीनिंग कर दूं, ताकि मैं बाद बाकी काम फिर मुझे करना होगा, शॉपिंग वगैरह बहुत कुछ काम रहता है, तो जल्दी जल्दी मैं इसीलिए घर की सफाई कर रही हूँ। अब मेरा किचन भी साफ़ करना बाकी है, और डिब्बा वगैरह सब धोना होगा, कपड़ा तो मैं आधा धो चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा बरंडा साफ हो गया, देखिए जितना झूल वगैरह था सब मैंने साफ कर लिया है, अब क्लीन लग रहा है, मतलब अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, बरंडा साफ हो गया है, और अब बाकी रह गया है बरंडा का जो ये फैन है, देखिए कितना गंदा हुआ है, यहाँ पर मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है, इसको मैं बाद में साफ करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मेरा बाकी रह गया है किचन साफ करना, देखिए मेरा किचन कितना गंदा लग रहा है, तो अभी मैं करूँगी किचन का सफाई, क्योंकि कल है गुरुवार, कल हम लोग किचन साफ नहीं करेंगे, क्योंकि गुरुवार का रोज़ हम लोग घर उर झाड़ते नहीं हैं, तो इसीलिए आज ही मैं किचन को साफ कर दूँगी, झाड़ू के जितना कचरा सब निकाल दूँगी। गुरुवार का दिन हम लोग घर उर नहीं झाड़ते हैं, कचरा नहीं निकालते हैं, अच्छा नहीं माना जाता है, कहते हैं सभी कोई जो गुरुवार का दिन में घर नहीं झाड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं किचन का सामान सब निकाल रही हूँ बाहर किचन को झाड़ने के लिए, तो मुझे क्या मिला चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए ये क्या मिला मुझे घर साफ करते करते, तो मैं खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ ये क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं खोल के दिखाती हूँ मुझे क्या मिला, ये तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है चीटी भाजी जो हम पिछले साल सुखा के रखे थे चीटी भाजी को, तो ये वही है, तो मुझे बहुत दिनों के बाद ये मिला, मैं ढूंढ रही थी इसे कि मैं कहाँ रखी हूँ इसको सुखा के, मतलब हम लोग सुखा के इसको प्लास्टिक में बांध के रखते हैं। तो फ्रेंड्स, चीटी भाजी बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, और ये हमेशा नहीं मिलता है, तो इसको हम लोग सुखा के रखते हैं, और जब खाने का मन करता है तब हम लोग इसको पका के खाते हैं। तो हस्बैंड जी बहुत दिन से मुझे बोल रहे थे कि चीटी भाजी है कि नहीं है, तो मुझे पका दो, खाने का मन कर रहा, तो मुझे मिल नहीं रहा था, आज मैं घर साफ कर रही थी तो मुझे मिल गया ये भाजी, तो अभी मैं इसको धूप में सुखा दूंगी फिर से, और उसके बाद इसको पका के हम खाएंगे। तो जब मैं इसको पकाऊंगी तब आप लोगों के साथ में वाला वीडियो भी शेयर करूंगी कैसे हम लोग पकाते हैं। और फ्रेंड्स, इधर देखिए आधा सामान निकाल चुकी हूँ मैं बाहर, और आधा बाकी है उसको भी निकाल दूंगी, और घर को हम साफ करेंगे। जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं सारा सामान बाहर निकालती हूँ, और उसके बाद मैं साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे सामान रहता है अंदर में तो साफ़ करने में दिक्कत होता है, अच्छा नहीं लगता, ठीक से साफ़ नहीं हुआ जैसे लगता है, इसीलिए मैं सारा सामान बाहर निकालती हूँ और उसके बाद मैं साफ़ करती हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स, देखिए सारा सामान बाहर निकल चुका है, और इधर धूप दे रहा तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये सारा सामान मैंने निकाल दिया है किचन का, और अब मैं जा रही हूँ किचन झाड़ने के लिए।
तो फ्रेंड्स किचन हो गया है पूरा खाली और अब होगा इसका डीप क्लीनिंग। देखिए तो फ्रेंड्स साफ सफाई का वीडियो में थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी आप लोगों को, वरना बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, आप लोग भी देखने के लिए बोर हो जाइएगा। तो अभी ये पूरा सामान मैं निकाल चुकी हूँ बाहर और अब मैं झाड़ने वाली हूँ इसको, पूरा क्लीनिंग करूँगी। जब क्लीनिंग हो जाएगा फिर से मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, बीच में थोड़ा सा वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँगी साफ करते समय। तो फ्रेंड्स ऐसे तो ज़्यादा गंदा नहीं है किचन मेरा, क्योंकि मैं बीच बीच में साफ़ करते रहती हूँ। जितना गंदा रहता है मैं बीच बीच में साफ़ करते रहती हूँ, क्योंकि किचन मुझे साफ़ चाहिए, गंदा थोड़ा भी पसंद नहीं आता है किचन में। तो ज़्यादा ऐसे गंदा नहीं है, फिर भी मैं सारा सामान निकाल के साफ़ कर रही हूँ और पोछा वगैरह सब लगा दूँगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स आज किचन का साफ करते करते बहुत कुछ मिल रहा है किचन से मुझे, तो और भी क्या मिला है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये भी एक भाजी है और इसको भी हम लोग सुखा के रखे थे, देखिए ये भी मुझे मिल गया साफ करते करते। तो फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं सारू, सारू बोलते हैं जिसको पका के खाते हैं, उसी का पत्ता है, उसी को ये वाला पत्ता जंगल में मिलता है, जंगल से ला के इसको सुखा के रखे हैं। तो हिंदी में बोलता है शायद अरबी, तो उसी का पत्ता है। मैं कभी जंगल जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन सा पत्ता है। तो उसी का साग है ये, अरबी का साग, और इसी को इसको भी हम लोग सुखा के रखे थे, तो ये भी मुझे मिल गया है। इसको भी जब मैं पकाऊंगी तो आप लोगों के साथ मैं वाला वीडियो शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स हमारे गांव के जो लोग हैं सभी को ऐसे साग टमाटर हुआ बैंगन हुआ ये सबको सुखा सुखा कर रखता है, और बाद में जब सब्जी नहीं रहता तो इसको पका के खाता है। क्योंकि गांव के लोग अपना घर ही में खेती उती करते हैं साग सब्जी का, तो ज़्यादा बच जाता है, जो बिक्री नहीं होता है तो क्या करेंगे, उसको सुखा के रख देते हैं। और जब ऐसा सब्जी उब्जी नहीं रहता है तो उसको पका के खाते हैं, और पका के खाने से भी बहुत अच्छा लगता है सूखा वाला। कभी आप लोग भी ट्राई करना फ्रेंड्स, अगर नहीं खाते हैं नहीं पता है तो, अगर खाते होंगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या क्या सुखा के खाते हैं और कैसे टेस्ट लगता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे दिखता है सुखाने से साग। तो ये देखिए इस तरह का साग होता है, इसको ऐसे सुखा के हम लोग रखते हैं और इसको जब मन करता है इसको पका के खाते हैं, देखिए। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, पोंछा वगैरह सब अभी लगा दूँगी और उसके बाद जाऊँगी बर्तन धोने के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना होगा वरना लेट हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स कितना सारा कचरा निकल आया है किचन से, और उसके बाद मैं अभी जाऊँगी थोड़ा सा मार्केट, मार्केट से आके फिर से मैं काम वगैरह करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है इधर उधर। तो जल्दी जल्दी ये सारा काम लिपटने का सॉरी कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आ गई हूँ फिर से बर्तन धोने के लिए, अभी हो गया है रात और बहुत सारा बर्तन है, मतलब अच्छा वाला बर्तन भी गंदा हो जाता है जब हम घर की सफाई करते हैं, रखे रखे सारा बर्तन धूल मतलब उड़ता है ना तो गंदा हो जाता है। तो मैं सारा कुछ ही धोती हूँ, धोने से जाके मुझे अच्छा लगता है, तो मैं सारा बर्तन जल्दी जल्दी धो रही हूँ। ये सारा साफ बर्तन है, खाली बस थोड़ा सा साबुन लगा के धो देने से होगा। तो सब कुछ मैं जल्दी जल्दी धो रही हूँ और भी बहुत सारा काम बाकी है करने के लिए। तो फ्रेंड्स सारा बर्तन धुल गया है, बर्तन धोते धोते लग गया है ठंडा, मुझे अभी कनकनी ठंडा लग रहा है क्योंकि अभी पूस का महीना है, पौष महीना में बहुत ठंडा लगता है कनकनी ठंडा, तो इस तरह का ठंडा लग रहा है और मुझे ठंडा भी लग गया है, क्योंकि ज़्यादा पानी हाथ होने से ठंडा लग जाता है और अभी तो ठंडा का सीज़न भी है। तो देखिए फ्रेंड्स आपसे बातें करते करते मेरा सारा बर्तन भी धुल गया, और बाद बाकी सामान जो बचा है वो सब मैं कल साफ़ करूँगी, क्योंकि रात भी हो चुका है, घर में खाना भी बनाना होगा, सब कुछ तो मैं ही करती हूँ, हस्बैंड जी गए हैं ड्यूटी। और सारा बर्तन धो के मैं ले आई, और बाद बाकी जो सामान है वो सबको कल साफ करेंगे, आज इसको इतना ही बर्तन धोएंगे। और फ्रेंड्स आप लोगों से बातें करते करते काम भी ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स सारा बर्तन धुल गया, देखिए इधर जितना बर्तन था मैंने धो लिया और किचन तो मेरा साफ हो गया है डीप क्लीनिंग, अब बाकी रह गया है और सामान धोने के लिए। तो फ्रेंड्स ये सब में धूल जम जाता है, तो इसलिए मुझे पानी से धोने का मन करता है, तो मैं जब तक इसको सर्फ साबुन दे के नहीं धोऊंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब धोना बाकी रह गया है, और ये सब कुछ सामान है सबको भी समेटना होगा।
तो फ्रेंड्स अभी मैं और बर्तन नहीं धोऊंगी क्योंकि रात हो गया है और ठंडा भी लग रहा है, ज़्यादा पानी हाथ होने से ठंडा लग जाएगा। और जितना बर्तन था हमारा जो यूज वाला और जो बगैर यूज वाला गंदा हो गया था, सबको मैंने धो लिया है। अब वो सब सामान बाकी रह गया है, जितना भी काम बाकी रह गया है वो सब मैं कल करूँगी। और अभी मुझे खाना भी बनाना है तो मैं आटा गूंद के ही गई थी बर्तन धोने के लिए। मैं दिखा देती हूँ, तो ये देखिए मैं आटा गूंद के रख दी हूँ। जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो 10 मिनट पहले ही मैं आटा गूंद के रख देती हूँ ताकि रोटी जो है बहुत सॉफ्ट नरम बनता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं आटा गूंद के गई थी बर्तन धोने के लिए। तो फ्रेंड्स आज का काम ख़त्म हो गया है और आज का वीडियो मैं यहीं पर कर दूंगी एंड। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। अगर आप लोग मेरा चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।